आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। परम पूज्य पुंडरीक जी, आपके चरणों में सादर नमन। भैया जी, शास्त्री जी, प्रणाम। फ्रेंड्स, फैमिली और आप सभी जो बहुत दिल से प्रिय हैं, आपने समय निकाल के यहाँ आए हैं, उसके लिए अ वॉर्म थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। श्रीमती राजकुमारी जी, राजू भाई और बाई जी, शी वॉज नोन बाय ऑल दीज नेम्स, बट फॉर मी शी विल ऑलवेज रिमेन माँ। माँ जो एक प्रेम का पूरा निचोड़ है। माँ जिन्होंने हमको इतने संस्कार दिए जितनी हमारे में पात्रता नहीं थी। इट्स अ वेरी इमोशनल एंड अ लव्ड मोमेंट एंड एन ओकेजन, बट वी आर रिमेंबरिंग एंड चेरिशिंग अ वेरी प्योर एंड अ डिवाइन सोल। उनके डिविनिटी का कोई एंड नहीं था एंड उनके स्पिरिचुअलिटी का कोई बिगिनिंग नहीं था। इट्स बीन 23 मंथ्स टुडे exactly, and there has never been a moment or a day where we have not missed her, where we have not felt her aura in our home, in our hearts. But I am very confident, aur mujhe puri ummeed hai ki wo nitya Vrindavan mein Shri Jugal Bihari ji ke saath humko wahan se bless kar rahi hai. She was a multifaceted woman. Her personality, क्या मैं बोलूं? A fantastic orator, a spellbounding preacher. And when I mean preacher, it is in spirituality. Full of love. हमेशा देने की चाह, हमेशा सच बोलने की इच्छा। जिंदगी में हमेशा सिखाया, अच्छा क्या है important नहीं है, सच्चा क्या है इंपॉर्टेंट है। हर पर्सनैलिटी वॉज सच दैट नॉट ओनली इन आर हाउस, इन द पीपल हुम शी हैज टच्ड, दे स्टिल रिमेंबर हर। शी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग ठाकुर जी इन आर हाउस, एंड नॉट ओनली इन आर हाउस, शी हैज बीन रिस्पॉन्सिबल कि ठाकुर जी की पदरावनी, उनके बहनें, उनकी भाभियां, उनके परिकर जन के घर में हो। द शॉर्ट फिल्म विच वी हैव मेड कैन नॉट डू जस्टिस ऑन हर। हमको अगर उनके चरित्र के बारे में, उनके जिंदगी के, उनके जीवनी के बारे में बोलना होता तो शायद घंटों लग सकते हैं ये पिक्चर को। देर आर सो मेनी मोमेंट्स, देर आर सो मेनी उत्सव्स। जनाब, लोग एक उत्सव करते हैं और दे फील सेटिस्फाइड कि हमने ये कर दिया। माँ बाबूजी ने ऐसे 100 उत्सव किए हैं, उत्सव ही नहीं महाउत्सव किए हैं। वो रामायण जो सालों से श्रीनिकेतन गार्डन में हुआ करती थी, जहां एक फैक्ट्री की तरह यहां कई लोग जो बैठे हैं उसको रिमेंबर कर सकते हैं। बाप जी की वो डोंगरे जी महाराज की भागवत और चित्रकूट में पूज्य बापू की कथा, आई डोंट थिंक अस्मरणीय या इट कैन बी रिपीटेड अगेन। बट अबव ऑल, और मैं जानता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से 90-95% लोग ठाकुर जी की ब्याह याद करेंगे, श्री जुगल बिहारी जी की शादी। न भूतो न भविष्यति, मुझे आज भी याद है, पूरा मरीन ड्राइव भर गया था और प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह को कुछ डॉक्स में इनॉग्रेट करना था तो ही हैड टू फ्लाई बाय हेलीकॉप्टर। ये प्रतिभा बाबूजी और माँ ने हमको सौगात में दिए। पता नहीं हम इसके पात्र हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने दी है। ऑन अ लाइटर नोट, शी यूज्ड टू ऑलवेज से
नारी शक्ति, नारी शक्ति। पुरुष तो है, लल्लू है, नारी शक्ति। नारी शक्ति पे मुझे याद है एक्सटेम्पोर वाराणसी में गर्ल्स कॉलेज के 1000 लड़कियों को बोला गया था, तो 3-4 बार हम में से अजेबिया में विट ज़्यादा है तो 2-4 बार सुन लिया। तो माँ को बोला एक दिन, माँ अगर नारी में नारी शक्ति है ना तो पुरुष में सहन शक्ति है। उस दिन से शायद घर में तो नारी शक्ति नहीं हुई। संस्कार जो हम लोगों को दिए हैं, और जो जुगल बिहारी जी, हमारी पहचान ही जुगल बिहारी जी हैं, ये बहुत बड़ी सौगात है। बाबूजी कई बार कहते हैं ये बात कि जब ठाकुर जी को कोई देखता है तो कहता है कि आ दूध जी का ठाकुर जी है। बोले इससे बड़ी छाप क्या हो सकती है कि ये लाइन मुझे अपने लाइफ में मिल गई। लेकिन माँ वॉज द सोल। ऑन अ लाइटर नोट अगेन, हमेशा बाबूजी को कहते थे काम तो सारो मैं करूं, थे फोटो फिनिश में आ जाओ और क्रेडिट ले लो। हम वृंदावन गए माँ के जाने के बाद, अनखावना सा लग गया। तैयारी रहती थी हर चीज की, हम लोग जाते थे पुरसी भी थाली मिलती थी, घर पुरसावा मिलता था। वहां ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो माँ को नहीं जानता है, ऐसे एक संत साधु जो हम मिले जो माँ को नहीं जानते हैं। मतलब इट वॉज 2-3 दिन तो समझ नहीं आया कि ये छाप है। आई स्टिल फील, थोड़ी देर में अभी आएगी और बोलेगी जो हमेशा मुझको कहती है, बैठ ना मुन्ना, टाइम ही को नहीं रहे थारे पास, भाग तो रह वह। नाउ देर इज नोबडी टू से दिस, नोबडी टू से कि बैठ। मैं कोई प्रीचर नहीं हूं, ना मैं कोई ओरेटर हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि वी ऑल शुड रिमेंबर दैट आर पेरेंट्स आर नो लॉन्गर गेटिंग यंगर। किसी ने पूछा डिस्क्राइब लाइफ इन 2 वर्ड्स, क्रिएटिंग मेमोरीज, दैट्स लाइफ। सच में उनका चरिश्मा उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा मालूम पड़ा। व्हेन शी वाज अराउंड नहीं मालूम था, बट एज पीपल से दैट इंसान की पहचान उसके जाने के बाद ही मालूम पड़ती है। परमा आपसे ही हमारी पहचान है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आपका कर्ज तो मैं कभी भी नहीं उतार सकता हूं, ओ मेरी जननी। आपका कर्ज तो मैं कभी भी नहीं उतार सकता, ओ मेरी जननी। लेकिन अपना फर्ज को मैं ईमानदारी से निभाऊं, ऐसी रहे मेरी करनी। आखिर में कहते हैं माँ बाप के चरणों में जन्नत नसीब होता है, कहते हैं माँ बाप के चरणों में जन्नत नसीब होता है। और बाप से भी पहले आती है माँ, और बाप से भी पहले आती है माँ, क्योंकि यही एक संबंध सारे विश्व में निस्वार्थ होता है। That's why friends, family, today I can proudly say आदित्य राजकुमारी धूत। उनको बहुत प्रिय था अपना परिकर, जुगल बिहारी परिकर। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ट्रिक टेंशन रिलीज इनफॉर्मल क्लब, आप में, आप सब में माँ सदा रहे, क्योंकि आप लोग जो बाई जी करते थे वो शायद ही कोई करे। विथ ऑल दिस आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर, एंड नाउ ऑन हर 75th बर्थडे वेर वी आर ऑल हियर टू रिमेंबर हर, मैं दीप प्रज्वलन के लिए पूज्य पुंडरीक जी को, भैया जी को, लक्ष्मी नारायण जी बिहानी को, ज्योति प्रसाद जी तापड़िया जी को, प्रदीप जी धूत जी को, राजगोपाल जी धूत जी को और आदर्श सोमानी को ऊपर स्टेज पे आमंत्रित करता हूं।
वृंदावन से राधा रमन जी के गोस्वामी जी प्रिय महान संत अतुल कृष्ण जी के पोते श्री पुंडरीक जी गोस्वामी ने आज सुबह आकर कृपा की है, हम पर अनुग्रह किया है कि इस माँ के डायमंड जुबली बर्थडे पर आकर वो कुछ बोलें, तो मैं उनको कृपा अनुग्रहित करता हूँ कि आप आकर हम सबको आपके अमृतवाणी से लाभार्थ करें। हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदये वशीकरणचूर्णमनन्तसत् तम राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं स्वासासार सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुंठादि भवं भवं भव भवं भावं भवं शांभवं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। शास्त्र में लिखा है, घर में संत आ जाए, कोई चलकर अतिथि के रूप में संत आ जाए तो शायद सब कुछ मिल जाता है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, घर में संत आ जाए तो बहुत मिल जाता है, पर घर में संत हो जाए
उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। आप सभी का मैं आज स्वागत करता हूं। बहुत भावनात्मक रूप से भैया भी अपनी मातुश्री को भावांजलि प्रदान कर रहे थे। श्री बाई जी का पूज्य दादा गुरु जी से पूज्यपाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज और पूज्य पिता श्री श्री शिभूत कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, मुझे लगता है कि जब बंबई आना होता तो एक आध दो जगह में से श्री जुगल बिहारी कुंज ऐसी थी जहां श्री गुरुदेव स्वयं चलकर जाना चाहते हैं। और एकांतिक रूप से अनेक बार उनके साथ संवाद किया, उसकी स्मृतियां पूरे घर में सबको हैं। और थोड़े दिन पहले जब मैं अजय भैया से मिला था तो मुझे एक बैग भर के दादा गुरुजी की कैसेट दी कि ये माँ कुछ हमें कमाई दे गई थी, जिसका अब जो व्यक्ति जो कमाता है वही उसे भेंट करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धन कमाया है तो कोई आ जाए तो वो उसे धन देते हैं। उन्होंने कहा हमारे घर में संतों की वाणी ये धन था, तो आपके स्वागत में मैं आपकी दादाजी की वाणी ही आपको प्रदान कर रहा हूं। शास्त्र में मातृदेवो भव कहा, मां की भगवत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं है। As he just said that it is the purest relationship existing. इस बात में दूर दूर तक कोई संदेह नहीं। अब ये बात अलग है कि उसके महत्व को कौन जानता है कौन नहीं जानता। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे दूत परिवार में बाई जी केवल सम्मान का विषय नहीं है बल्कि पूजा का विषय है। और मां की इस स्तर तक अभ्यर्चना करना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा, इससे बड़ा कोई साधन नहीं होगा। जिस महाराष्ट्र की धरती पर हम बैठे हैं, मेरा सौभाग्य है कि शायद मेरे दादाजी मेरा नाम महाराष्ट्र की धरती से ही ले गए होंगे। पुंडलीक बैठा माँ के चरण दबा रहा था, मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं उसके दर्शन को, पर वो व्यक्ति बैठा जब माँ के चरण दबा रहा था और जब कक्ष से बाहर निकला तो उसने देखा कि परमात्मा खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। पांडुरंग विठला खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, का कोई चिंता नहीं तू सेवा पूरी कर ले। पूछा तुझे कुछ देना चाहता हूं क्या दूं, बोले आप ऐसे ही सबका खड़े होकर इंतजार करते रहना। उसकी चरम सीमा, उसका महत्व, उसकी दिव्यता शास्त्र में भरी है। मराठी में मौली कहकर गुरु को पुकारा जाता है, मौली। और मैं वैसे मराठी जानता नहीं हूं, पर वारकरी संतों के संबंध से उन्होंने मुझे संकेत किया, मौली का मतलब मां ही होता है। अजय भैया मैं अपने घर में मुझे पिता रूप में गुरु मिले हैं, मां रूप में गुरु मिली हैं, दादा रूप में गुरु मिले हैं, मुझे घर से बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं आपके उस महत्व और आपके उस रस का अनुभव कर सकता हूं जिसको माँ ही गुरु रूप में प्राप्त हुई हो। दादा गुरु जी कहा करते, एक माँ का धर्म है वो बताती है पिता कौन है।
बालक का सहज संबंध किसी के साथ नहीं है, वो केवल मां से जुड़कर पैदा हुआ। वो जिस पर उंगली रख दे संतति उसे पिता रूप में स्वीकार कर लेगी। एक मां का धर्म है जो बताती है पिता कौन है, और मां का ही धर्म है वो बता दे परम पिता कौन है। प्रत्यक्ष रूप से मुझे ये दोनों चीज उस कुंज में दर्शन देती हैं। वहां दूत साहब भी बैठे हैं, पिता के प्रति भी सम्मान है और परमात्मा के प्रति भी प्रेम है। मुझे तो ऐसा लगता है, भैया बोल रहे थे अभी, गीता में एक सूत्र आया है, योग भ्रष्टो भी जायते। ज्यादा व्याख्या का अवकाश नहीं, एक भावनात्मक गोष्ठी है यहां। चाहे नरसी का प्रसंग हो, चाहे मीरा का प्रसंग हो, सब भक्तों की कथाओं में एक गुप्त रहस्य छुपा है। उसी के साथ तुलना करते हुए मुझे ये कह लेने दीजिए, हो सकता है ये बात विवादास्पद हो, पर मुझे कह लेने दीजिए, वृंदावन की कोई गोपी ही दूत परिवार में आ पहुंची थी, अन्यथा ये संभव नहीं था। मारवाड़ में मीरा भी ऐसे ही एक घर पहुंची थी। पूर्व का ये संस्कार है, नहीं तो ऐसी सहजता और ऐसी भक्ति का आरोप, भगवान की दया से पूरी दुनिया में मुझे घूमने का अवकाश मिलता रहता है, परिवारों की निजता में भी बैठने का अवकाश मिलता है, पर एक बात तो पक्की है, इतना भगवान का नाम लेने में परिवार के सदस्यों में इतना कॉन्फिडेंस हो, ये भगवान की कृपा और माँ की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ ऑफिस जाने से पहले जिनको तिलक मिटाना पड़ता है, पर धर्म के प्रति वो दृढ़ता, शास्त्र ने 3 सूत्र कहे। सबसे पहला मातृ देवो भव, दूसरा पितृ देवो भव, तीसरा आचार्य देवो भव। संख्या तो लंबी है। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं मां का धर्म है, मां संस्कार की भूमि देती है। ध्यान से सुनिएगा, मां से संस्कार की भूमि प्राप्त होती है। संस्कार खेत की तरह है, अगर वो भूमि ही नहीं है तो आगे की बात करी ही नहीं जा सकती। बीज बहुत हैं, पर अगर भूमि नहीं है तो बात करी नहीं जा सकती। धर्म करना अगर आपका नियम है तो आप चूकते हैं, पर धर्म करना अगर आपका स्वभाव है तो वो कभी नहीं छूट सकता। धर्म का स्वभाव तक का आरोप ही संस्कार है। संस्कार है, जहां अंग्रेजी का एक शब्द है वैल्यूज। और एक बात मैं बड़ी समझदारी से कहने की मेरी इच्छा हो रही है, वैल्यूज का पता बाजार में नहीं चलता, बेडरूम में चलता है। संस्कार का पता मंच पर नहीं चलता, रसोई में चलता है। संस्कार का पता चौराहे पर नहीं चलता, घर की अंतरंगता में चलता है। सबसे ज्यादा पता तब चलता है जब दरवाजा बंद हो, कुंडी लगी हुई हो और आप अकेले बैठे हो। हमारे हर घर में एक ड्राइंग रूम लगा होता है, एक बेडरूम लगा होता है। जो आता है वो ड्राइंग रूम में पहुंचता है। टेक्निकली तो ड्राइंग रूम लगता ही दूसरे के लिए है। आज तक ड्राइंग रूम में कोई सोया ही नहीं। आदमी की असलियत पता करनी हो तो उसके ड्राइंग रूम से नहीं, उसके बेडरूम से पता चलती है, जहां वो रहता है। वैल्यूज, पहली भूमिका वहां आकर खड़ा होती है। मां का दायित्व है कि वो संस्कार की भूमि तैयार करे, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, संबंध के साथ, स्वीकृति के साथ।
रामायण का मुझे एक बड़ा सूक्ष्म प्रसंग स्मरण में आता है। कह दिया गया जाओ राम वन में, ये बात भी पिता ने नहीं कही थी, मां ने ही कही थी। टेक्निकल रूप से देखा जाए तो राम जी ने महाराज दशरथ की आज्ञा की अवज्ञा की है। दशरथ कहते तुम वन में मत जाओ, ये मेरी और मेरी पत्नी का पर्सनल मैटर है, तुम काहे को बीच में भुगतो। राम स्पष्ट कह देते पिताजी मैं वन में न जाऊं ये आपके मोह की आज्ञा है, मैं वन में जाऊं ये आपके धर्म की आज्ञा है, मुझे जाने दीजिए। और सबसे ज्यादा इमोशनल बिंदु है जब राम जाकर कौशल्या के सामने खड़े होते हैं, उस समय जब खड़े हैं। वाल्मीकि ने उस बात का संकेत किया है, मेरा अनुभव गोस्वामी जी के प्रति अभी कम है, वाल्मीकि की तरफ ज्यादा है। राम पहुंचे, कौशल्या ने कहा मुझे मालूम है कि केकई ने तुझे जाने की बात कह दी है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। रघुनाथ एक काम करो, मैं ये जानती हूं कि तू जब बन जाएगा ना तो बन जाएगा, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि राम जब तू वन जाएगा ना तो बन जाएगा, मैं ये जानती हूं। अगर वन नहीं गया तो बन भी नहीं पाएगा, रह जाएगी बात, चूक जाएगा। उसकी सूक्ष्मता पर किसी को संदेह नहीं है। मां की भूमिका है वो संस्कार को की भूमि तैयार करती है, पिता की भूमिका है कि वो शिक्षा प्रदान करता है। संस्कार की भूमि के ऊपर शिक्षा का बीज लगे, शिक्षा उसे कहते हैं जो जीवन में समीक्षा सिखाती है। नॉलेज की डेफिनेशंस केवल एल्गोरिदम को जान लेना नहीं है, केवल एबीसीडी जान लेना नहीं है, या भाषा जान लेना भी नहीं है। कोई आदमी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत बोले और आप सोचो कि बड़ा बुद्धिमान आदमी है। भारत के इतिहास में एक राजा शूद्रक हुआ, उसका तोता भी संस्कृत बोला करता था। बड़े बड़े पंडित जाके बोलते थे तो तोता ही कह देता था, हे अशुद्धम अशुद्धम। तो बड़े बड़े विद्वान भी जाने से पहले पूछ लेते थे, भैया वो तोता जग रहा है कि सो रहा है, क्योंकि तोते से इंसल्ट हो जाए इससे बड़ी दुर्दशा दूसरी नहीं हो सकती। कोई आदमी रोक भी दे तो ठीक है। शिक्षा, संस्कार की भूमि के ऊपर शिक्षा काम करती है, और कई बार शिक्षा और संस्कार में विरोध भी खड़ा होता है। संस्कार धर्म के आधार पर और वैल्यूज के आधार पर है, और शिक्षा वर्तमान समाज के आधार पर है। मेरे 15 मिनट वैसे पूरे हुए पर गला अभी गर्म हुआ है, मैं विश्राम की तरफ चल रहा हूं, बस बात पूरी कर लूं। संस्कार की भूमि के ऊपर शिक्षा का बीज काम करता है। किसान के पास अच्छी भूमि हो, अब भूमि किस क्षेत्र में है उसके अनुसार बीज लगेगा। कश्मीर में गेहूं नहीं लगेंगे और हरियाणा में सेब नहीं लगेगा। संस्कार और शिक्षा का बहुत गंभीर संबंध है। राम वन में जाने का निर्णय लें, ये भूमिका संस्कार की थी। वन में जाकर कैसे रहें और किस प्रकार समाज का संचालन करें, ये भूमिका दशरथ की थी। तीसरी बात आई आचार्य देवो भव, आचार्य की भूमिका विद्या की है। मां संस्कार देती है, पिता शिक्षा देता है, आचार्य विद्या देता है।
आचार्य के पास से जो आए उसे विद्वान कहते हैं, पिता के पास से जो आए उसे शिक्षित कहते हैं, माँ के पास से जो आए उसे संस्कारी कहते हैं। खेत हो फिर बीज बोया हो तो तीसरा दायित्व तो है लगे हुए बीज का संरक्षण करना, उस पर जल डालते रहना, तभी वो बीज एक विकसित वृक्ष के रूप में प्रकट होगा। अगर समाज में ये तीनों जन अपने दायित्व का गंभीरता से निर्वाह कर लें, तो एक अद्वितीय भारत की परिकल्पना आपके मध्य प्रकट हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में हम बात करें मेडिकल साइंस पर, भारत प्रोग्रेसिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत प्रोग्रेसिव है। एजुकेशन पर भारत स्टिल अभी 20-50 साल पीछे है। डेवलपमेंट पर 20-50 साल पीछे है। पर जब धर्म की बात आती है तो भारत मंच पर बैठता है और पूरी दुनिया चरणों में बैठ जाती है। और उसका प्रवेश कराने के पीछे ये भूमिका है। संस्कार के बिना तुम गीता की पुस्तक पकड़ा दोगे तो विरोध हो जाएगा। और संस्कार और शिक्षा के बिना कोई महात्मा के घर में बैठ जाएगा तो बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। उसको प्रणाम कराना भी एक बहुत बड़ा इशू है। भाई बाबा जी घर में आए तू प्रणाम तो कर ले, एक बहुत बड़ा इशू है। ये उसकी सूक्ष्म पद्धति है। जहां संस्कार की दृढ़ता है वहां शिक्षा पनप जाती है और विद्या देने के लिए संत खड़ा हो जाता है। मुझे यहां सबसे अच्छी बात लगती है कि बाई जी ने इस घर की नींव को बहुत अच्छा सजाया है। संस्कार की भूमि पक्की है, खेत पक्का है तो बीज भी बनेगा। और हम जैसे संत, अनेक अनेक संत, मैं हम जैसा नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं उस श्रेणी में अपने को मानता नहीं हूं, पर जिनका नाम अभी भैया ले रहे थे, ऐसे संत स्वतः कृपा करने के लिए पधारते रहेंगे। बाई जी की स्मृति में ये आयोजन समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय है। एनिवर्सरीज बहुत सारी मनाई गई हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस भी बहुत सारे किए गए हैं, पर मातृ महोत्सव कोई माँ की कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और अंतिम बात, अच्छा लगा मुझे कि बर्थडे मनाया है। जीवन के में तीन आधार हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। जीवन के आधार पर जन्म और मृत्यु का उत्सव संपन्न किया जाता है। बहुत से लोगों का मरना भी छुटकारा है और बहुत से लोगों का मरना भी उत्सव है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जब कोई चला जाए तब उसका उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि जन्म तो सामान्य है, पर जो किसी बाई जी जैसे चरित्रवान व्यक्ति के लिए जन्म भी असाधारण होता है, तभी जन्मोत्सव मनाना एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है। और मेरा ऐसा निवेदन है कि डायमंड जुबली मन रही है, ये जन्मोत्सव समाज की प्रेरणा के लिए हर बार मनते रहना चाहिए। महाराज जी ने माँ के लिए इतना कुछ कहा तो उन्हीं की बात से एक प्रेरणा मिली मुझे। अभी बैठा था कि ये शरीर पंचामृत है। आप सब जानते हैं कि जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी और उससे बनता है, वायु से पंचामृत। सेम चीज माँ पर लागू है। माँ की पांच चीजें अत्यंत प्रिय थी। सबसे पहले श्रेणी में थी जुगल बिहारी जी, जो आज यहाँ हैं आप सबको कृपा देने के लिए। नंबर दो में उनके थे सब संत, चाहे आप स्वामी जी बोलिए, डोंगरे जी बोलिए, बापू बोलिए, पुंडरीक जी बोलिए, अतुल कृष्ण जी, राम किंकर जी, ऐसे मैं अनेक गिना सकता हूँ। तो उनके सबसे नंबर दो पे आते थे प्रिय संत, जिन्होंने आज आकर हमारा मान बढ़ाया। तो माँ का प्रोग्राम हो,
और हम ये पांचों तत्व को नहीं लाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले तो जुगल बिहारी जी के सामने उनका सम्मान होकर अग्नि प्रज्वलन हुआ, अब संत बोले, तीसरा था परिवार, जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस चीज को मनाने के लिए। माँ को अपनत्व बहुत ज़्यादा था कि परिवार साथ रहे, सब मिल के आए। तो आज इस मौके पे उनके अन्य नियर एंड डियर सब मौजूद हैं, तो परिवार मौजूद है। नंबर चार पर क्या था? सखी, जो उनका जुगल बिहारी परिकल बोलिए या सखी बोलिए या सखियों की उनकी जो उनके एक मज़ा आता था उनके साथ। और पांचवा था मनन चिंतन और लिखना, जो कुछ भी अच्छा लिखता था तुरंत डायरी में नोट कर लेती थी, आप सब जानते हैं। तो मैं आज पांचों तत्वों में पहला तत्व तो जुगल बिहारी जी के सामने कर चुका, दूसरा तत्व संत अपने अमृतवाणी से हमको अनुग्रहित किए हैं, मैं आज वो परिवार जो तीसरा तत्व है हम सब बैठे हैं, माँ चौथे तत्व को निमंत्रण दे रहा हूँ, माँ की प्रिय सखी शिल्पा आज आके माँ के ही बारे में आपको बताएंगी। ये नंबर चौथा तत्व, प्लीज क्लैप योर हैंड्स एंड वेलकम हर। बोलिए जुगल सरकार की जय। सर्वप्रथम मेरे जुगल भैया भाभी के चरणों में मेरा शत शत नमन, और माँ को क्या कहूँ, आज अत्यंत हर्ष भी हो रहा है और उतना ही दुख भी है, दोनों है। माँ को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर पधारे हमारे श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन स्वयं यहाँ पर चलकर आया है। आज आपसे कुछ चाहूँगी कि हमारे बड़ों को छोड़कर हम सभी हमारे सन श्री के सम्मान में खड़े हो जाएं, तो हम श्रीधाम वृंदावन को अपने प्रार्थना पुष्प अर्पित करें। केवल हमारे बड़ों को छोड़कर बाकी हम सब जो समर्थ हैं उनके सम्मान में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण बैठ जाएं। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जुगनू को कहा गया कि सूर्य पर प्रकाश डालिए। ये तो बड़ी हंसी की बात हुई कि जुगनू को कहा गया कि सूर्य के बारे में आप कुछ बोलिए। यहाँ पर आते हुए संत रोहाल फकीर ने एक बहुत सुंदर लिखाई लिखी है जो कहती है, लेना हुए सो लीजे म्हारा भाईड़ा रे, लेना हुए सो। अगर हम लेना चाहते हैं तो कब लेना है? अभी इसी समय। क्यों? लेना हुए सो लीजे म्हारा भाईड़ा रे, अब आई तो लेवण रीरे बेला रे साधो, एड़ो रतन हीरो हाथ नहीं आवे रे। क्योंकि ऐसा जो रतन हीरा है वो बार बार हाथ नहीं आता है। कई युगों युगों के संचित कर्मों के बाद जब श्रीधाम वृंदावन स्वयं बंबई में पहुंच गया तब ऐसा हीरा हमारे हाथ आता है। और वो हीरा जिसने केवल दो पुत्रों को ही जन्म नहीं दिया, यहां पर बैठे और कितने ही परिवारों को, कितने ही जीवों को जन्म दिया है। आज जब हम सब एकत्रित हो रहे थे इस ऑडिटोरियम में तो ऐसा लग रहा था कि हमारे भीतर की राधा राधा से मिल रही हो और कृष्ण कृष्ण से मिल रहा हो। तो वो भगवत प्रेम, वो जो वृंदावनी रसोपासना, वो भक्ति, वो समा, वो माहौल, वो जो है जो माँ ने हम सबको दिया है और ये कई जीवों को जन्म देता है, कई परिवारों को इसने जन्म दिया है,
और ठीक इसी तरह से जिस तरह से यहां पर बैठी जो सखियां हैं और सखियों के हृदय में भगवत प्रेम को जन्म दिया है, ऐसे संस्कार जहां पर श्रीनिकेतन में हम देखते हैं कि ये पुत्र पुत्र नहीं है, ये तो ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी के सखा हैं, और दोनों बहुएं हैं, दोनों भाभियां हैं, वो तो ऐसे लगता है गोप गोपियां हैं, सहचरी हैं, जैसे श्री जी कहती हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये वस्त्र पहनने हैं, हमें ऐसे फूलों की सजावट चाहिए। और जो बच्चे यहां पर मुंबई की नगरी में, शायद ही आश्चर्य है, जहां पर कॉलेज जाने वाला यदुराज जो है पहले मंगल सेवा करता है और फिर कॉलेज जाता है, क्या ऐसा वृंदावन, क्या ऐसा दृश्य हमें कहीं मिल सकता है? और मैं तो ऐसा कहती हूं कि वो कहीं गए नहीं है, ये तो लेने की बेला अब आई है, और अब ऐसा हुआ है कि जड़ हरी हुई है, और अब वो जो सिखा कर गए हैं अब उसे लेना है। क्यों? हंसा हुए तो, हंसा हुए तो हंस गति हाले रे, हंसा हुए तो हंस गति हाले रे, फिर की चढ़ ना पावो रे मेला रे साधो, साथ हुए म्हारो घट उजियारो रे। तो ये हंस गति आज इस पल के बाद जो चलचित्र, किसी ने कहा क्या होगा आज मूवी दिखाई जाएगी, ये कोई मूवी नहीं है जो आएगा और मूव ऑन हो जाएगा, ये कोई चलचित्र नहीं है जो आया और चला जाएगा, ये तो एक जीवन है जो कई जन्मों जन्मों के, कई युगों युगों का निचोड़ जो है, ये जीवन आज आपके सामने यहां पर जीवंत होने जा रहा है। और मैं ऐसा वादा कर सकती हूं आपको, यहां पर बैठे सभी भगवत प्रेमियों को ठाकुर जी की कृपा से ये वादा कर सकती हूं कि अगर इस 45 मिनट के जीवन में आपके हृदय को कोई एक ऐसा पल हो जो छू जाए, तो मानिएगा कि जुगल बिहारी आपके पास पहुंच गए हैं। ये जीवन जो है अगले 45 मिनट में जीवंत होने जा रहा है, और अगर हम इस जीवन में से एक क्षण, अगर एक क्षण भी ले पाए, तो आज मां का जन्मदिन सार्थक होता है। और इसी के साथ संत रोहाल फकीर ये भी कहते हैं कि कृपा हुई जद, कृपा हुई जद सौदा रचिया रे, कृपा हुई जद सौदा रचिया रे, अब भाव भगत कैसी प्यासी रे साधो, रतन अमोलक घट उजियारा रे। और सद्गुरुदेव के चरणों में वाणी को समर्पित करते हुए मैं चाहूंगी कि आप सब एकाग्रचित होकर इस जीवन को देखें, आप सभी अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट पर रखें। बोलिए जुगल सरकार की जय। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ये पुकारो सच्चे हृदय से, सब बंधन टूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं भगवान लाऊंगी, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, आपको भूलो नहीं।
ईश्वर द्वारा इस सुंदर ब्रह्मांड की रचना का कारण है प्राणी मात्र और सृष्टि से उनका अपरंपार प्रेम। विभिन्न युगों में प्रेम और चमत्कार के साथ साथ ईश्वर के परम भक्तों के विषय में भी हमें देखने को मिला है। सतयुग में विष्णु भगवान के परम भक्त भक्त प्रह्लाद की भक्ति, ये ईश्वर का प्रेम ही है जो वे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हर युग में किसी न किसी अवतार में प्रकट होते हैं। इसे दुर्भाग्य कहे या दुर्गुण, किंतु एक बहुत बड़ा सत्य ये है कि इस युग में मनुष्य ईश्वर से दूर होता जा रहा है। परंतु इस धरती पर आज के युग में भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। ऐसी अटूट भक्ति और कृष्ण भगवान से अनोखा लगाव इस युग में शायद ही देखने को मिले। बाल गोपाल श्री कृष्ण की पवित्र नगरी मथुरा वृंदावन में उनका बचपन गुजरा। मथुरा वृंदावन एक ऐसा स्थान जहां कृष्ण आराधना में डूबे भजनों के संगीतमय सुर हर पल हर घड़ी वातावरण को और भी भक्तिमय बना देते हैं। उसी समय से उनके मन मस्तिष्क पर बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया की एक अमिट छवि कुछ इस कदर बस गई कि ठाकुर से उनका एक अनोखा अद्वितीय बंधन जुड़ गया। हर पल ठाकुर की भक्ति में लीन रहना और अपनी उत्कृष्ट जीवन शैली से परिवार के सदस्यों को ही नहीं बल्कि संसार के लोगों को भी प्रेरित करना उनके जीवन का नियमित ध्येय बन गया। उनकी भक्तिमय दिनचर्या ने छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित और मोहित किया। वृंदावन की नगरी में आज भी कृष्ण प्रेम और भक्ति को कुछ इस कदर देखा जा सकता है कि यहाँ के निवास स्थानों के नाम भी बांसुरी वाले जुगल बिहारी ठाकुर जी के पवित्र नाम पर ही रखे जाते हैं। वहीं आज भी मुंबई जैसे शहर में एक ऐसा घर है, एक ऐसा परिवार है जो प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ है। भोर से ही इस घर में भक्ति का सूर्योदय होता है। क्या सूरज को भी रोशनी दिखाने की जरूरत पड़ती है? उनके गीता के उपदेश सुनकर हम भाव विभोर हो जाते हैं। लोग ठाकुर से जोड़ते हैं, ठाकुर ने इनसे रिश्ता जोड़ा हुआ है। सबको भगवान का स्मरण दिखाती है, भक्ति भक्ति करते थे वो। श्री जी ठाकुर जी की तन मन धन से सेवा करते हैं, तो स्वामी राम सुखदास जी का इनके ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद था। इनके ऊपर इनको कोई प्रभु की असीम कृपा है, सरस्वती बैठी हुई है मन में। भागवत, श्रीमद भागवत, गीता, आलवंदार और इन्हीं के विषय के अंदर, कृष्ण के विषय के अंदर ये पुस्तकें बहुत पढ़ती थी। सबका उनको सहयोग मिला, ये उन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्रेम की इंजन है, हम सब उनके पीछे बोगी हैं। उन्होंने हमको हमेशा यही पाठ पढ़ाया है कि अच्छा क्या लगे ये जरूरी नहीं है, सच्चा क्या लगे ये जरूरी है। गृहस्थ में रहते हुए सामंजस्य बढ़ाना और वृंदावनी रसोपासना में इतना अध्ययन करना, इतने बता नहीं सकती। उनका हमारे को साथ मिला, हमारा उनको साथ मिला, तो हम दोनों की भक्ति एक हिसाब से बढ़ी। 16वीं सदी में मीराबाई, जो कृष्ण की इतनी दीवानी थी कि उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक सुख त्याग दिया, ऐसे ही रानी रत्नावली, कर्माबाई और दासीबाई का जीवन भी ईश्वर भक्ति में ही डूबा रहा। थी पिछले कुछ युगों के भक्तों की दास्तान। अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस युग में कृष्ण भक्ति के समर्पण में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। आज के युग में जुगल बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया की अटूट भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने वाली एक असाधारण व्यक्तित्व श्रीमती राजकुमारी जी धूत, जिन्हें राजूबाई जी के नाम से भी जाना जाता है।
राजकुमारी जी हमारी भाभी जी हैं और बड़ी धार्मिक है। आज के वातावरण में ऐसी लेडी मिलना मुश्किल है। पसंद किया हमारे देवर के लिए, मैं जान कर उनके चेहरे में बहुत अच्छा लगा। भक्ति की प्रेरणा, भक्ति से ओतप्रोत, भक्ति से परिपूर्ण है हमारी आदरणीय राजू भाई जी धूत। माँ भक्ति का तो एक रूप है ही, पर यहाँ पे माँ ने मुझे मेरी जीवन में भगवत गीता जैसी एक बहुत बड़ा पुराण तो कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, माँ ने मुझे वो सिखाया। मेरे लिए वो माँ से भी ऊपर है और मेरी वो गुरु माँ भी है। जैसे आप पानी से पानी पर नहीं लिख सकते, उसी तरह इनके परिवार के बारे में भक्ति का और इनका भगवान जी जो संबंध है उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। बेसिकली शी इज अ कंप्लीट पैकेज, नॉलेज है, भरपूर नॉलेज है, वो एकदम स्पिरिचुअल है। शी हैज ऑलवेज टॉट मी हाउ टू गिव, शी इज ऑलवेज अ गिवर, शी इज वेरी जेनरस। आप पर सभी भक्तों की कृपा रही है, जिसमें मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, पंजाबी भगवान अखंडानंद जी महाराज, गरुड़ शरणानंद जी एवं सभी राष्ट्रीय भक्तों की कृपा पात्र रही है। ईश्वर भक्ति की तरफ उनके असीमित झुकाव के कारण वे हमेशा ईश्वर की कृपा पात्र बनी रही। राजूबाई जी को अपने शुरुआती जीवन में कई महान संतों और तपस्वियों की संगत और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वैसे बचपन से वे चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी, जिस कारण सबके आकर्षण का कारण बनी रही। बचपन में उनकी कई यादें ऐसी हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं सकती, खासकर उनका पुश्तैनी आलिशान घर, जहां उन्होंने अपने दादाजी और पिताजी के साथ समय बिताया था। ये मेरे दादाजी का प्राचीन स्थल, ये रंगजी की कोठी नाम से फेमस था, और इसी रंगजी की कोठी में मेरे दादाजी दादी जी का शरीर भी निशान। इसी प्रांगण में वेंकटेश भवन करके मेरे पिताजी ने एक छोटा बंगला बनाया। इसके साथ ही उन्हें वृंदावन का वातावरण खूब भाता था। उसी वातावरण की वजह से उनका कृष्ण प्रेम धीरे धीरे बढ़ता गया। मुझे वृंदावन बचपन से ही इतना पसंद है, तो भी कोई वृंदावन के चरवाहे या कोई वृंदावन के पद गाए जाते थे तो मेरे मन में आता था कि ये कितनी अच्छी जगह है। मैं नाचा करती थी, छोटी सी बच्ची थी जब से। कहीं भी कृष्ण भक्ति में डूबा भजन या कीर्तन सुनाई देता था तो वे उसमें शामिल होने के लिए आतुर हो जाती थी। धीरे धीरे मेरा वृंदावन के प्रति लगाव और प्रेम बढ़ता गया। कहीं राधे की कहीं पर भी निधिवन में और कहीं सेवा कुंज में राधे जी का जही भजन होता था, वहीं मैं भागती थी। उनके इस कृष्ण प्रेम और भक्ति को देखकर उनके परिवार के सदस्य और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। श्रद्धा कहूं या ममता कहूं, आंचल कहूं या चादर कहूं, बूंद कहूं या सागर कहूं, रक्षक कहूं या शिक्षक कहूं, नेह कहूं या स्नेह कहूं, आत्मा कहूं या स्वयं परमात्मा कहूं, करुणा की छाया कहूं या दया की काया कहूं, माँ वो पहली गुरु है जहाँ से ये जीवन शुरू है। जैसे शिवाजी के लिए जीजा माता थी, वैसे मेरे लिए वो मेरी जीजा माता है। बम्बई जैसी माया नगरी में और भाई जैसा सत्संग, ऐसा वृंदावन का भाव हमको देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि उसकी क्या कहें। हम सब सखियां बहुत बहुत धन्य हैं उनके लिए। ऐसा कुछ आके लगता है कि जिसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। शांति मिलती है और ऐसे लगता है कि बस वृंदावन आ गए, ठाकुर के दरबार में आ गए। क्योंकि उन्होंने इस भक्ति को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि दूसरों के जीवन को खुशहाल करने के लिए उसे सबके साथ बांटा। Yeah.
अब हम आपको कुछ ऐसी अनोखी बातें बताने वाले हैं जिसे आज के युग में इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कोई भक्त करता होगा। नियमित रूप से ठाकुर की पूजा और आराधना तो कई भक्त करते होंगे, किंतु आठों पहर ठाकुर की विधिवत आराधना और उनके सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक संपूर्ण नित्य कर्म को सेवा भाव से बाई जी कुछ इस तरह से निर्वाह करती है कि राधा कृष्ण के जागृत होने का एहसास होने लगता है। ऐसे लगता है मानो वे ठाकुर से अपने मन की बातें कह रही हो और ठाकुर भी उन्हें प्रसन्न चित्त मुद्रा में अनेक अनेक आशीर्वाद दे रहे हों। राजूबाई जी के जीवन का यह नित्य कर्म इतना अधिक प्रभावशाली और भक्तिमय है कि उसमें शामिल होने मात्र से ही साक्षात ठाकुर के दर्शन होने का आभास होने लगता है। अपने जीवन के प्रत्येक दुख और तकलीफ को भुलाकर साथ ही सुख सुविधाओं को दरकिनार करते हुए वे नियमित रूप से ठाकुर की सेवा और आराधना करना और इस नित्य कर्म को बिना किसी रुकावट या विलंब के प्रतिदिन विधिवत तरीके से एक भव्य रूप में निभाना, ये वाकई में राजूबाई जी जैसी एक महान एवं समर्पित भक्त के लिए ही संभव है। फिर दोपहर 12 बजे राजभोग लगाना और ठाकुर जी को शयन कराना, उसके पश्चात उठापन और आरती। जिस तरह इस संसार में ऋतुओं का आना अटल है, जिस तरह सूर्य का उगना और डूबना तय है, ठीक उसी तरह हर परेशानी, कष्ट या परिस्थिति में राजकुमारी जी का जुगल बिहारी की आराधना और भक्ति में डूबे रहना और सेवा करना भी एक अटल सत्य है। ये सभी विधियां आरती और भजनों के वातावरण में ही संपन्न की जाती है जो वृंदावन में अक्सर हमें देखने को मिलती है। राजूबाई जी को अपने जीवन में जो भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ उसके लिए उन्होंने असाधारण रूप से कठिन तप किया है। पारिवारिक और सांसारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए उन्होंने कई विद्वान, ज्ञानी संतों और ऋषि मुनियों के पवित्र सानिध्य में समय बिताया और ईश्वर भक्ति को लेकर जागृत अपनी भावनाओं को एक विशेष सकारात्मक दिशा प्रदान की। इतना ही नहीं बल्कि अपनी ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा और उत्सुकता के चलते उन्होंने धर्मशास्त्र और ग्रंथों का गहन अभ्यास किया। घंटों एकांत में ध्यान मग्न होकर ईश्वर का चिंतन करना तो जैसे उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया।
राधे 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 राधे। वर्षों तक इसी तरह से नित्य कर्म का पालन करने से उनके मन मस्तिष्क में पुराणों और वेदों की अनेक कथाएं और श्लोक जैसे हमेशा के लिए बस गए। और जब भी वो किसी सत्संग या अन्य कार्यक्रम को संबोधित करती हैं, तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे साक्षात दिव्य वाणी उनके मुख से प्रकट हो रही है। यश कमाना हो, धन कमाना हो, विजय लेनी हो या मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। नहीं हो तो दो श्लोक, एक श्लोक, आधा श्लोक नित्य प्रति करना चाहिए। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन की समस्याएं सुलझाई, वैसे हम अनुरोध करते हैं पूज्य बाई जी से कि वो भी हमारी दैनिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं जो भी हो, उनको गीता के माध्यम से, स्वामी राम सुखदास जी के माध्यम से हमारी समस्याओं का हल करें। राम जी ने जब लंका पर सेतु बनाने के लिए नल और नील को दिया, और नल और नील के साथ में एक गिलहरी थी, वो गिलहरी भी सोची कि चलो हम भी ठाकुर जी का कुछ काम करें, तो गिलहरी अपने छोटे से मुंह में इतनी सी रेती ला करके और बार बार उसके बीच में डाल रही थी। तो राम जी को बड़ा अच्छा लगा कि भाव बहुत अच्छा है, ये सेतु क्या बनाएगी, पर सेतु में अपनी कम से कम अपना कुछ न कुछ भावना व्यक्त कर रही है, अपनी सेवा कर रही है। तो राम जी ने उसको उठा करके उस पर तीन अंगुली फेरी, कहते हैं तब से गिलहरी के हाथ पीठ पर वो तीन अंगुलियां राम जी की फेरी हुई है। उसी प्रकार पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने मेरे पर कुछ तीन अंगुलियां फेरी, मेरे मन में आया कि मैं भी इस गीता प्रचार में गिलहरी की तरह एक बिंदु मैं भी जोड़ दूँ, तो ठाकुर जी के प्रचार में हमारा भी नंबर आ जाए और हम भी प्रिय हो जाएं। ईश्वर भक्ति के साथ ही उन्होंने अनोखे तरीके से ठाकुर और भगवद गीता के प्रचार और प्रसार में भी अतुलनीय योगदान दिया। राम सुखदास जी महाराज से प्राप्त पुत्रीवत प्रेम ने इस भक्ति को और बढ़ाया। संतों ने यहाँ तक कहा कि आपका जन्म ही राधे रानी के प्रचार प्रसार के लिए हुआ है। एक बार प्रेमपुरी में मायरा था बाई का, मैं मायरे में गई ना तो इतना ज्यादा बाई से अट्रैक्ट हुई कि लगा इनसे कब जुड़ जाऊं या कब इनसे मिलूं। उन्होंने मुझे बहू करके नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि एक बेटी करके एक्सेप्ट किया। एक सास बनके कर्तव्य सबसे पहले सिखाया, उसके बाद माँ बनके बहुत प्यार भी दिया। पूरे परिवार के साथ बहुत प्रेम रखती है और पूरे परिवार को बहुत मानती है। आज के युग में एक तरफ जहां सभी लोग सांसारिक बातों में उलझकर ठाकुर से दूर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी जी सर्व सामान्य लोगों तक पहुंचकर उनके जीवन में ठाकुर के वचन पहुंचाने का नेक कार्य कर रही हैं। लोगों के जीवन में ठाकुर प्रेम और आस्था को जगाकर उन्हें आध्यात्म से जोड़ने के लिए वे दिवस रात्र प्रयासरत रहती हैं। भजन, कीर्तन, सत्संग और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से अनगिनत भक्तों में भक्ति रस का एक अद्भुत समागम करते हुए अपने जीवन को ठाकुर और भक्तों के बीच की कड़ी की तरह इस्तेमाल करती है राजकुमारी जी। इस कार्य के लिए वे प्रतिवर्ष अनगिनत उत्सव और कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इस संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति या परिवार होगा जो निजी तौर पर स्व खर्चे से और स्वेच्छा से इतने बड़े पैमाने पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम या उत्सव आयोजित करता होगा। ये तो राजकुमारी जी का ठाकुर प्रेम था जो उनके मन मंदिर में अत्याधिक अंदर तक बस गया था। भगवान के भाव की भूखी बाई जी हर किसी में भगवान का अंश देखती है, तभी तो वो कहती है, आप सबका सद्भाव आज हाथ उठा के मुझे दे दीजिए, जिससे कि हम श्री जी के भाव लड़ाते रहे। जो सुगन सरकार हरा
श्री कृष्ण के प्रति अपरंपार भक्ति के कारण ही अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पिछले 35 वर्षों से प्रतिवर्ष इस घर में उत्सवों का मेला लगा रहता है। संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह से उत्सवों का आयोजन शायद ही देखने को मिलेगा। इन उत्सवों का आयोजन इतना भव्य और सुचारू रूप से होता है कि इन्हें देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई ऐतिहासिक पर्व हो। अभी तो ये केवल छोटा सा नजराना आपके सामने पेश है। ए जुगल बिहारी, दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, तेरे सिवा किसी की ना अब आरज़ू रहे, तेरे सिवा किसी को ना देखू निगाह से, या जुगल बिहारी है अगर प्यारी राधे बिहारी, कम नहीं अब माने अब माने जुगल बिहारी, कम नहीं दुआ के हाथ उठाओ या जुगल बिहारी का जश्न बहारा है, मुरादे हो जाएंगी पूरी, ये जश्न बहारा है और गुलों की कर दो बारिश कि आज जश्न बहारा है, क्योंकि आज फैज का दरिया है, एक 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 फैज का दरिया है, जुगलबंदी में एक तरफ राधा जी की पार्टी थी, दूसरी तरफ ठाकुर जी की पार्टी थी, और जो मज़ा आया नहले पे दहले और दहले पे नहले पड़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं ठाकुर जुगल बिहारी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है 21वीं सदी का सगुन है। ऐसा अनोखा उत्सव, ऐसा छप्पन भोग, देखो भैया आप सबने देखो होएगा, भैया मैंने अपने जीवन में कभी देखो हर उत्सव में श्री जुगल बिहारी के प्रति भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का भाव कुछ इस तरह से दिखता है कि मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। भजन, आराधना और समर्पण के साथ ही हर उत्सव में श्री कृष्ण कन्हैया के लिए संपूर्ण भक्ति भाव से विशिष्ट रूप से तैयार किए गए स्वादिष्ट छप्पन भोग का ये अनोखा और अद्वितीय दृश्य आज के युग में भला कहां देखने को मिलता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास भागवत, भगवत गीता और सत्संग करती थी, किंतु भीतर ही भीतर मेरे को कोई न कोई अंदर से अपने आप राधे नाम के प्रति, राधे जी के प्रति एक अजीब सा मेरे को मतलब लगता था कि वो मेरे अपने हैं। और प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो आप कई भक्ति से कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन प्रेम उससे भी ऊँचा है, जिसको प्रेम मिल जाए
उससे ऊपर और कुछ उसे नहीं चाहिए। जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मेरा यहाँ वृंदावन में आने के बाद पूरा होता है। मुझे वृंदावन के रज से अति प्रिय है, वृंदावन में श्री राधे रानी के चरण अति प्रिय है, और अब निकुंज बिहारी जी के कारण से मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, ये पूरा घर वो संभालते हैं। यहाँ वैसी की वैसी जैसे वहाँ जुगल बिहारी जी की अष्टयाम सेवा होती है, वैसी की वैसी यहाँ अष्टयाम सेवा होती है। जो पद होता है ब्रजाधिराज नंदनाम दूत बाब गात चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी जगत त्रय यशस्विनी लसत सुदापयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी भजे कलिंद नंदिनी। कलिंद नंदिनी मतलब जमुना जी। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजन, मतलब दुरंत से दुरंत भी मोह है उसका ये भंजन कर देती है। बहुत सुंदर मूर्ति लेकर के आई थी जयपुर से और उनकी सेवा करने लगी और अपने आप में उसका इतना रस हो गया कि अपने आप को उनकी माँ समझने लग गई। अब जब माँ समझा है तो पुत्र का तो विवाह करना ही पड़ता है। ठाकुर जी अकेले थे तो इन्होंने जवाब दिया, बोले कि मेरे को हमको ठाकुर की जैसे सुंदर राधा जी कोई मिले, कोई ब्याह करने वाला मिले तो राधा जी को लेके आए। ऐसे कैसे राधा जी को लाए? तो फिर मेरी बहुत इच्छा हुई कि हम श्री जी का ब्याह करें। भूत जी और ये लोग बोले कि हमारे ठाकुर जी के जैसे सुंदर राधा जी मिले, कोई ब्याह करने वाला मिले तो हम राधा जी को लेके आए। तो हमारी इच्छा हुई तो हमने बोले बोले आपकी जोड़ी का टॉप बुला लो। हम लोग नागपुर से यहाँ आए, यहाँ से ले गए हमारे घर नागपुर। सभा मैंने वहाँ रखे, हमने कुंवारी बेटी रहती है वैसे। और फिर क्या था, नागपुर वाले परिवार की राधा से ठाकुर जी के विवाह की तैयारियां बड़े जोर शोर से होने लगी। इस विवाह समारोह की कई विशिष्टताएं थीं, जिनमें एक विशेष बात थी इसका भव्य मंडप, जिसमें लगाई गई प्रत्येक वस्तु कभी भी पहले उपयोग में नहीं लाई गई थी। इस मंडप का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया कि इसमें जो नक्काशी और चित्रकारी थी उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी देवी देवता इस विवाह समारोह में उपस्थित थे। ऐसी साज सजावट कि जिसे देखकर सभी चकित होकर ये सोचने पर विवश हो गए कि ये केवल श्री जुगल बिहारी की लीला ही थी, वरन ऐसा सुंदर मंडप बन पाना असंभव था। 11 फरवरी 1984, विवाह की तैयारियों में दोनों पक्ष के लोग कुछ इस तरह से डूबे थे कि नजारा देखते ही बनता था। एक तरफ जहां ठाकुर जी को पूर्ण विधिवत दूल्हे की तरह सजीले वस्त्र पहनाकर सोने चांदी के आभूषणों से सजाया गया, वहीं दूसरी तरफ राधा जी का भी साज श्रृंगार एक दुल्हन की तरह किया गया। ये विवाह एक अनोखे तरीके से हुआ, शायद किसी इंसान का विवाह भी इतने धूमधाम से नहीं हुआ होगा। इस विवाह में वरमाला,
फेरे और सभी विधिवत कार्य संपन्न किए गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग से स्वयं कृष्ण और राधा जी धरती पर अवतरित हो गए हों। इस विवाह में साधु संतों और सामान्य लोगों का कुछ इस तरह से मेला लग गया था कि मुंबई की यातायात कुछ देर के लिए ठप हो गई। देश के महामहिम स्वयं राष्ट्रपति जी को भी रुकना पड़ा था। इतना भव्य था वो समारोह कि आंखें चुंधियां जाती थी। ठाकुर जी की शादी इतनी धूमधाम से करी, स्वर्ग में क्या बोलूं, वैकुंठ में क्या बोलूं, इतना सुंदर ब्याह हुआ आपको बताइए। कई परिचित तो ये मानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी इतने धूमधाम से नहीं की होगी। पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में इस विवाह की वर्षों तक चर्चा थी। हिंदुस्तान में वैसी शादी नहीं हुई, भगवान की शादी, और सब मतलब बड़े बड़े शहरों में भी ये पहचान ने, कई लोग पहचान बोलते हैं तो ये बोलते हैं आ कौन वो राधा कृष्ण का ब्याह करे वही है क्या वो लोग। इस विवाह का आयोजन करके राजू बाई जी ने अपने अपरंपार ठाकुर प्रेम को दर्शाया है। उनकी भक्ति केवल मौखिक नहीं बल्कि संपूर्ण तौर पर अपने जीवन में समाई हुई जीवंत और अद्भुत भक्ति है। परम पूज्य महाराज श्री ने दूल्हे को सोने की चेन पहना के सबका मन हर्षित कर दिया। भगवान को रामव्यास जी दूत ने गोद में लिया था, उधर से राधा रानी को नागपुर वालों ने गोद में लिया था, आपस में दोनों ने वरमाला पहनी, इसके बाद में फेरा की विधि हुई। मैं बाई के साथ में 30 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं एक बार रोड पे से जा रही थी तो उनका आवाज सुनाई दिया मुझे, उस आवाज से मैं खींच के और उधर आई। और हमको जो भाई जी दिया है मेरे को लगता है कोई नहीं दे सकता है। मैंने दिल से भाई जी को अपने मन में गुरु माना हुआ, वो मेरे लिए गुरु भी है, माँ भी है, सब कुछ है, जो भी है मेरे जीवन में एक वही है। तकरीबन 25 साल पहले मिली, जब मुरारी बाबू की कथा क्रॉस मैदान में हो रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से इनसे मोहब्बत सी हो गई। आपके द्वारा प्रतिवर्ष बनाए कैलेंडर जो अपने आप में अनूठे होते हैं, इसका इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री से होता है। सरलता, स्नेह व आत्मीयता, इन तीनों की प्रतिमूर्ति हमारी आदरणीय बाई जी एक जागृत आत्मा के रूप में प्रेम की जीवंत मूर्ति है। ओजपूर्ण वाणी, तेजस्वी प्रतिभा, चुंबकीय आकर्षण वाला व्यक्तित्व सब विद्यमान है आप में। बचपन से ही पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज में आपकी पूर्ण आस्था रही। स्वामी जी भी आपसे पुत्रीवत स्नेह करते रहे। स्वामी जी का मार्मिक प्रवचन और श्रीमद् भगवत गीता आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। इन्होंने सर्वसामान्य जनमानस में अपनी एक विशेष छवि निर्माण तो की ही है, साथ ही भक्तिरस प्रवाह और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा स्रोत बनने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त कर चुकी है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इनके सम्मान में लेख लिखे जाना एक आम बात हो गई है। ठाकुर जी की भक्ति ही उनको ये लेवल तक लेके आई है और उसको पार करी है। दीदी सदैव इसी तरह सबका सत्कार करती रहे, सबको प्यार देती रहे और मुझे बहुत आशीर्वाद दें, और ईश्वर करे वो इसी तरह से इसी मार्ग पर और आगे बहुत आगे बढ़ जाए। और आशीर्वाद देती बोलती हूँ कि ऐसे ही मार्ग चलती रहे और सबको कथा कीर्तन श्रवण कराती रहे। माँ वो पहली गुरु है जहाँ से ये जीवन शुरू है। सुख जहाँ में ऐसा एक ही है जो संतान के सुख को कहती है हाँ हाँ हाँ, और वो इस दुनिया में कहलाती है माँ माँ माँ। मैं ईश्वर को कितना धन्यवाद दूँ कि हमारे घर के अंदर ऐसी लड़की आई कि जिसने वो कहते हैं कि सब कुल को तार देती है, एक लड़की भक्तिमयी होती है तो दोनों कुल को तार देती है,
इसके लिए मुझे इतना गर्व होता है इसके ऊपर कि ये इतना सब कर सकती है अपनी मेहनत से. I think Ma is my source of inspiration. The amount of work she does, she's like my idol. I look upon her to achieve something. हमारे बच्चों को जो संस्कार देना था वो सब बाई जी ने ही दिया. It's very rare to find someone who gives and doesn't expect anything back in return, and that's what Ma is. 26 alphabets are less to describe her. कमजोर हालत में भी ये भगवान का काम करती है और ये हमेशा ऐसी करती रहे, ये हमारी शुभकामना. मैं आशा करती हूँ जिस तरह से हमें मार्गदर्शन मिला है इनके भक्ति का, सदियों तक लोगों को इनके भक्ति का मार्गदर्शन मिलता रहे और वो भक्ति मार्ग पर चलते रहे. For us, Ma, you're a shining star. Ma, I want to tell you that I love you a lot और मैं आपको अपनी माँ से बढ़कर मानती हूँ. व्यस्त में रहते हुए जो भक्ति की तरफ जाने की मिलता है उसमें परिवार के सब लोगों का मुझे साथ मिला है. उन लोगों ने मेरे साथ उत्सव, जो जो ठाकुर जी की उत्सव और भक्ति में, उन्होंने सबने मेरा बहुत साथ दिया है. बेटे, बहू, पोता, पोती और जितना मेरा परिवार है सब, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा को साथ दिए. न दिया होता पति वगैरह ने साथ न दिया होता तो मैं इतनी आज इस ओर नहीं बढ़ पाती. परिवार और भक्ति दोनों को साथ साथ लेकर चलना मानो तलवार की धार पर चलने के बराबर है. लेकिन राजूबाई जी इस तलवार की धार पर चलते हुए जिस तरह सांसारिकता और आध्यात्मिकता में सामंजस्य बिठाकर अपने जीवन को जी रही हैं, बड़े बड़े संत भी इनकी प्रशंसा करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं. आज भी श्री जुगल निकुंज में नियमित रूप से भगवान भक्ति की इस यात्रा में पूरा परिवार साथ चलता है. आज के युग में जुगल बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया की अटूट भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने वाली एक असाधारण व्यक्तित्व श्रीमती राजूबाई जी धुर. जिस तरह समुद्र को रत्न गर्भा कहा जाता है, रत्नों की खान कहा जाता है, उसी तरह यदि बाईजी को भी भगवत भक्ति का सागर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. इस सागर के अंदर डुबकी लगाने वाला जिज्ञासु, भक्त, श्रद्धालु खाली हाथ नहीं निकलता. बाई जी प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति थी. उनका संपूर्ण जीवन श्री राधा कृष्ण की भक्ति में के लिए समर्पित था. मैं उनके अंदर मीरा जी के रूप का दर्शन करता था. जैसे मीरा कृष्ण भक्ति थी और इस जन्म में पुनः बाई जी ने आकर के श्री राधा रति, श्री राधा भक्ति की उनके हृदय में जो ललक थी उसके लिए बाई जी अहर्निश व्याकुल रहती थी. श्री राधा नाम की रट, श्री राधा नाम की चर्चा, श्री वृंदावन की चर्चा से उनकी प्रेमासुधारा झरझर प्रभावित होती थी. वृंदावन में बाई जी के प्राण बसते थे. मुझे एक बात का बहुत अफसोस भी है और एक खुशी भी है. वो खुशी मुझे करीब 35 वर्ष पहले मुंबई में तब मिली जब मेरी मुलाकात पूरे धूत परिवार से हुई और उसका पूरा श्रेय नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट श्री राजकुमारी धूत जी को है. उनसे मेरा मिलना, फिर पूरे धूत परिवार से मिलना, उनके माध्यम से अनेक संतों के मुझे दर्शन हुए और उनके पास उनका आशीर्वाद आदर भाव से उन्हें दीदी भी कहता था. वैसे लगता है कि बाई जी श्री राजकुमारी जी धूत
राधा रानी की निकुंज की सखी थी और यहाँ आकर के भी जुगल बिहारी और अपने यहाँ वृंदावन के ठाकुर जी की उन्होंने सेवा करी। एक साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो अथक प्रयास है, अभाव के रहते हुए सेवा और प्रतिकूलताओं के रहते हुए प्रयास, यही वस्तुतः साधक जीवन की परिभाषा है। और जितना मैंने बाई जी के जीवन को देखा, सामाजिक कभी कभी पारिवारिक प्रतिकूलताएं रहते हुए भी अपने गंतव्य तक पहुंचने की एक तृषा, एक पिपासा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को सहेजने का एक अथक प्रयास और अपनी अर्जित संपत्ति संस्कारों की अपने परिवार को, अपने समाज को बांटने का एक सुष्ठु प्रयास सदा उनके जीवन में देखा गया। प्रभु उन पर एवं उनके परिवार पर कृपा करें और उनकी गरिमामयी सांस्कृतिक विरासत उनका परिवार सहेजे और समाज में उनकी एक सुंदर स्मृति इसी प्रकार बनी रहे। हे मेरे जुगल बिहारी ठाकुर, आपके कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे को ऐसे धर्मपत्नी दी है जो कि हम पूरे परिवार को भगवान के भक्ति में लगाया है और वो पूरे संस्कार दिए हैं और वो संस्कार आगे तक चालू है। इसलिए मैं बताता हूँ कि मेरे आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐ खुदा, नहीं हो सकता तेरा कद ऊंचा किसी भी माँ से। तू जिसे आदमी बनाता है वो उसे इंसान बनाती। काकी जी वॉज अ डिवाइन सोल हु वॉज नॉट बॉर्न बट शी वॉज ऑन अ मिशन। शी विजिटेड प्लैनेट अर्थ, कंप्लीटेड हर मिशन एंड लेफ्ट टू मर्ज विद द डिवाइन हु हैड सेंट हर ऑन दिस टास्क। On 22nd August 2017, lights went out of our lives when our dear Kakiji merged with the divine light. And this was so abrupt that it came as a real shock to us. She was a pure soul who took birth to guide the people around her, and during her journey, her sadhana was the only companion which kept her going, going, going. I will always remember the first time when I came to Shriniketan. I was doing pranam to JB and she pressed my head to his feet and said, "That's how you do it." And she has always been a guide to me. And I hope that she would have been there for a longer time and our bond would have gone stronger. A lot of things I wanted to discuss with her but just couldn't happen, destiny so to say. I'm missing you, Ma. Ma, is shabd mein sansar ka sara prem hai samaya. Tune hamesha hame vishwas aur vivek ka paath hai padhaya. From our childhood you have donned many roles to increase our ability and on each sphere to reach our goals. Like Mother Teresa, she has sowed the seeds of compassion in us. मानवता का सही अर्थ बता के इंस्टिल्ड द ह्यूमन टच इन अस। कभी माँ दुर्गा की तरह उनके रूप में शी वॉज टर्न टू मेक अस रिस्पॉन्सिबल बाय इन्वोकिंग आवर इनर कॉन्शियस एंड इंक्रीजिंग आवर आत्मबल। लेकिन आप सदा रहेंगी और कहलाएंगी यशोदा मैया, क्योंकि आप ही के कारण और सिर्फ आप ही के कारण हम कहलाते हैं जुगल बिहारी जी के भैया। उम्र तो बस माँ की कोख में ही बढ़ती है, बाकी जिंदगी तो बस उम्र घटती ही है। माँ से कोई छोटा शब्द है तो बताओ और माँ से कोई बड़ा शब्द है तो बताना। कमा के इतनी दौलत भी मैं मेरी माँ को दे न पाया कि जितने सिक्कों से मेरी माँ नजर उतारा करती थी। सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। जुगल बिहारी जी के चरणों में हमारी बढ़ती रहे प्रीत और भक्ति। तू जहाँ भी रहे बस सर पर हाथ रख और बढ़ा हमारी शक्ति।
मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, मां के पैरों में ही है तो वो जन्नत होती है। आज मां का प्रसंग है, आज उनका 75वां जन्मदिन है, इसलिए आज मैं आप सब लोगों के सामने मां के बारे में कुछ शब्द कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। जीवन में माँ की क्या भूमिका है और उसके बेटे के प्रति क्या प्रेम है, इस बारे में मैं तो क्या कोई भी नहीं बता सकता और न कोई समझा सकता है। यदि माँ न होती तो इस सृष्टि की रचना नहीं होती, यदि माँ न होती तो हम न होते। मैं श्रद्धांजलि या सलामी उस माँ को क्या दे सकता हूँ जिसने खुद मुझे जना है। माँ के जाने का इतना गम है, जितना भी करो सब कम है। सादगी, सहजता, सौम्यता, अनुशासन प्रियता, साहित्यिक, सामाजिक और अपनेपन का गुण माँ के अंदर समाया था। माँ परिवार समाज की वह कड़ी थी जो अपने और परायों को भेद भुलाकर सबको प्रेम के सूत्र में बांध रखा था। उन्होंने सबको ही जोड़ा था। न जाने कितने लोगों के जीवन को सवारा है, उसमें संस्कार फूंका है। माँ इतनी विचारवान और ऊर्जावान थी कि हर कोई उनकी बातों से, विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। आज भी याद है जब माँ प्यार से सिर पर हाथ फेरती थी तो ऐसा लगता था मानो भगवान आशीर्वाद देने खुद जमीन पर चला आए। जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था। माँ हमारे जीवन का वह नींव थी जिसकी वजह से हम सब मजबूत हुए। माँ की ममता का कोई मोल नहीं चुका सकता, क्योंकि वो तो अनमोल है। माँ हमेशा कहती थी, मेरा समस्त कार्य, उत्सव या आयोजन जुगल बिहारी जी की कृपा से संपन्न होता है। और आज मैं कहता हूं कि हमारे सब कार्य माँ की कृपा से होता है। माँ को देश के सभी बड़े संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त था। माँ के गम, माँ गम के आंसू और खुशी के ठहाके अंदर से जीती थी। भगवान के भक्त कभी कुछ नहीं चाहते, वे चाहते हैं तो सिर्फ लोक कल्याण, दूसरों की भलाई और प्रभु के प्रेम में लीन हो जाना। भक्त की इस शुद्ध भावना के साथ माँ जीती थी। कहा जाता है कि अपने प्रेम को प्रकट करना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। वह माँ के प्रति हमारा प्रेम और उनका आशीर्वाद ही है जो आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ माँ के प्रति प्रेम की परिणति है कि माँ के जीवन पर बनी फिल्म आज आप सभी ने देखी।
अब मैं बात कर रहा हूँ माँ के खजाने की, माँ का खजाना। माँ को डायरी लिखने का बहुत शौक था, उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम और लगाव था। माँ ने साहित्यिक और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कई प्रकाशन किए जो आप सब जानते हैं। माँ जब भी जुगल बिहारी जी प्रभु का ध्यान करती तो उनके मन में अद्भुत और दार्शनिक भाव और विचार प्रकट होने लगते थे, तो उसी में वो तुरंत डायरी में लिख लिया करती थी। मुंबई और वृंदावन की शेल्फ किताबों और उनके लिखे भरे पन्नों से भरे हुए हैं, आपने पिक्चर में देखा है। इन डायरियों को मैंने पढ़ा, कुछ खास खास विचारों को एक जगह एकत्रित किया, पूरे 6 महीने लगे साहब। माँ द्वारा डायरी में लिखित अगणित विचारों को एक जगह संकलित करके मन के मोती नाम से प्रकाशित किया गया ये छोटा सा प्रयास है। आप लोगों को जाते समय ये पुस्तक अवश्य लेके जाएं, ये उनके खजाने की प्रसादी है। मैं यहाँ मुंबई और मुंबई से बाहर के आए सभी लोगों को, हमारा दूत परिवार, मन की गहराइयों से सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज की शाम हमें दी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। माँ की याद में कुछ चंद लाइनें के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आप सबको इसी रास्ते से ऊपर 4 माला भोजन है, प्रसाद है, भोजन है, जो भी आप समझे, इट्स अ बर्थडे डिनर, वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, सो इट्स हर बर्थडे डिनर। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज प्रोसीड फॉर डिनर, एंड आई एम थैंकिंग यू ऑल फॉर टेकिंग दिस स्पेशल टाइम आउट to see my mother. Thank you, sir.